हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अलीबाग। जी हाँ, हम पुणे से निकले हैं सुबह 8 बजे और अभी हम एक्सप्रेस वे पे है पुणे टू मुंबई। जी हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो हमने रोड स्विच करने का तय किया है। अभी हम है ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे पे। ऑल आउट स्टेशन कैब से हम जा रहे हैं। जी मैं तो ब्रेकफास्ट नहीं करती और उर्वी ने ब्रेकफास्ट गाड़ी में ही किया और अब उर्वी सो गई है। कि वो सो रही है तो मैं थोड़ा बहुत एंजॉय कर पा रही हूँ। हम प्रॉपर अलीबाग में नहीं जा रहे हैं, अलीबाग के यहाँ नागांव में हम जा रहे हैं। और यस, वी आर फाइनली हियर। ये देखो, एक बहुत बड़ा स्पेसियस सा पार्किंग है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री पार्किंग है। और भाई, ओला और स्टेशन का एक्सपीरियंस मेरा तो सच में बहुत अच्छा था। प्राइम सेडान हमने बुक की थी और ह्यूंडई एक्सेंट आ गई और ड्राइवर अंकल भी बहुत अच्छे थे। और ये देखो, इसने तो पहले ही एंजॉय करना शुरू किया है। यहाँ पे आपका लगेज कुछ इस तरह से इस गाड़ी में रखकर अंदर ले जाते हैं ये लोग। यहाँ पे आते ही इन्होंने सर्व किया है कोकम का शरबत एज अ वेलकम ड्रिंक। बहुत ज्यादा टेस्टी भी नहीं था और बुरा भी नहीं था, ओके था। इन एंट्रीज करते वक्त मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पुणे से ही आए हुए थे। कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, उन लोगों ने भी ट्रैफिक की वजह से ओल्ड हाईवे चूज किया था। रिसोर्ट तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रूम के बाहर बैठने के लिए यहाँ पे सीट आउट एरिया भी दिया गया है। यहाँ पर बैठना ही इतना रिलैक्सिंग है कि ब्रीज आप सुन सकते हैं यहाँ पे बैठ के आसानी से, क्योंकि बहुत दूर नहीं है। अभी यही 50-60 मीटर्स का ये बीच है। यहाँ पे रूम में सी ब्रीज नहीं सुनाई देता, मे बी बिकॉज ये विंडोज जो है वो साउंड प्रूफ लगते हैं मुझे। लेकिन अगर आप खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखेंगे तो अंदर आप आवाज़ सुन सकते हो। यहाँ पे एक बापा का टेम्पल भी है, चलिए जाके वहाँ पे चलिए दर्शन लेते हैं। आते ही मैंने दर्शन ले लिए बापा के। बहुत ही सुंदर मूर्ति है बापा की। वह 4 घंटे लगे हमें यहाँ पे पहुँचने के। अब हम लंच करने वाले हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं। पनीर बटर मसाला हमने मंगाया, दी क्वांटिटी एंड टेस्ट सच में बहुत ही अच्छी है। शाम को चाय पी के हम जा रहे हैं बीच पर भी, फर्स्ट टाइम बीच पे जा रही है। और ये देखो, यही उसका रिएक्शन। पानी यहाँ पे मैं थोड़े से अलग और अजीब लग रही हूँ क्योंकि मैंने चश्मा नहीं पहना, मैं चश्मा भूला हूँ अपनी होटल रूम पे। और ये देखो, ये हम चल पड़े समुंदर में। ये एक बीच फ्रंट रिसॉर्ट है तो यहाँ पे आपको प्राइवेट बीच एक्सेस मिलेगा, तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। रिसॉर्ट से बहुत ज़्यादा दूर बीच नहीं है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे। नागांव में सारे ही रिसॉर्ट्स जो है इतने ही डिस्टेंस पे है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। नागांव का बीच बहुत ही ज़्यादा बड़ा लंबा फैला हुआ है। सनसेट देखने के बाद हम जाने वाले रूम पे वापस। कुछ भी कहो, समुंदर में सनसेट देखने का मजा कुछ और ही होता है। यहाँ में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिन्हें वादियाँ पसंद होती है माउंटेन्स, एंड एक होते हैं जिन्हें बीच पसंद होते हैं। मुझे तो बीच बहुत पसंद है। एक मुझे माउंटेन्स पसंद नहीं है। जी हाँ, माउंटेन्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बीच में पानी में खेलने का जो मजा है वो माउंटेन्स में आप ले नहीं सकते, इसलिए मुझे बीच ज्यादा पसंद है। डिनर में हमने मंगाया है पनीर टिक्का मसाला। जल्दी से टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है ये। जी ये तो बहुत ही टेस्टी है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, जल्दी से हम खाना खा लेते हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं, मेरी नींद तो 6 बजे ही खुल गई थी तो मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गई हूँ। अक्षय और उर्वी तो फिलहाल सो रहे हैं इसीलिए मैं शांति से एंजॉय कर रही हूँ और शूट ले पा रही हूँ। नहीं तो उर्वी होती तो बीच बीच में आके 1000 बार वो ट्राइपॉड गिराती है और शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हमें मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में बुफेट है। ये देखो, ब्रेड बटर जाम, पूरी, सब्जी, पोहा, पोहा के ऊपर शेव, और ये ब्रेड के साथ ऑमलेट खा सकते हैं। पूर्वी के लिए मिलेट फ्लोर पकाने दिया है मैंने। चाय कॉफी दोनों है, कॉफी खुद से बनानी है और चाय में चीनी खुद से डाल के पीना है। जल्दी से टेस्ट करके बताती हूँ आपको ब्रेकफास्ट कैसा है। पूर्वी का खाना भी आ गया है तो उसे भी मैं खाना खिला रही हूँ। ब्रेड जाम बटर तो हमेशा जैसा ही टेस्ट कर रहा है। पोहा ट्राई करते हैं, पोहा में थोड़ा सा नमक कम है, नमक मिक्स किया जाए तो टेस्टी लगेंगे। ऑमलेट ट्राई करके देखती हूँ, ऑमलेट भी अच्छा है। गर्मा गर्म फूली हुई पूरियाँ और सब्जी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।
ए उर्वी हाय करना। यहाँ पे आने के बाद सबसे ज्यादा एंजॉय तो उर्वी ही कर रही है, उसे भागने के लिए बहुत जगह है तो इसके पीछे बहुत भागम्बा करना पड़ रहा है। दोपहर के खाने में बहुत ही मस्त बुफेट था लेकिन उर्वी ने बहुत हल्ला किया तो वो शूट करना रह ही गया। आज मैं करने वाली हूँ हेयर स्ट्रेटनिंग विद दिस फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर। सबसे पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे कर लिया मैंने, पार्टीशन करके थोड़े थोड़े बाल स्ट्रेट कर रही हूँ। जनरली मैं ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट बालों पे नहीं करती क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हेयर डैमेज होता है और डिलीवरी के बाद सर पे बहुत ही कम बाल बचे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी अलग दिख रही होंगी क्योंकि मैंने चश्मा भी नहीं पहना और मेकअप भी नहीं किया, तो आपने देखा ही होगा बिना मेकअप के भी मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखती है। लास्ट फ्यू मंथ्स में मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज किया जिसके वजह से मेरी स्किन क्लियर हो गई, नहीं तो मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स और डार्क स्पॉट थे। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा मेरी स्किन कितनी डैमेज थी, लेकिन अभी वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुकी है। इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो अगर आप जानना चाहती हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्राउन पोर्शन को मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेट करती हूँ, थोड़ा सा कर्व करते हुए, करने से मेरे बाल बहुत ही अच्छे स्टाइल हो जाते हैं। चश्मा लगा के देख तो लूँ सब कुछ अच्छे से हुआ है या नहीं, तो चलो मैं तो रेडी हूँ, मेकअप भी करूँगी अब मैं। अब हम निकले बीच पर। तैयार होने के बाद उर्वी को तैयार करना पड़ा और इसमें बहुत ज्यादा लेट हो गया है और सनसेट हमने मिस कर दिया है। स्ट्रेटनिंग के बाद मैं मेकअप कर रही थी और तभी उर्वी आ गई, उसने ट्राइपॉड गिरा दिया और उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। अपोजिट डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो मैं ठीक से दिख नहीं रही यहाँ पे, लेकिन मेरे पीछे का सीन आप देख सकते हैं। आफ्टर सनसेट सीन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बीच पे वॉक करने में बहुत मजा आता है। आज हम पानी में नहीं उतरने वाले, तो वो भी बहुत ही नाराज है, रो रही है, उस पानी में जाना है। ये थे हमारे पहले दो दिन और दो दिन हम यहाँ पे रुक रहे हैं, उसका भी वीडियो आने वाला है। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।